हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द जीनियस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको किसी भी आपका जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, कोई भी हाइड्रोकार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जैसे कि अब बात करें कि सर कैसे हमको पता चलेगा कि कितने सिग्नल्स हम यहाँ पर एनएमआर के मिलेंगे, चाहे वो प्रोटॉन एनएमआर हो, चाहे वो F19 एनएमआर हो, चाहे वो कार्बन-13 एनएमआर हो। तो जनरली मैं यहाँ आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपको प्रोटॉन एनएमआर की स्टडी करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एनएमआर सिग्नल आपको मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं कहीं भी आपको स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बोलूंगा। ठीक है कि यहाँ पर जो है एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटिंग हो रहा है तो इतना सिग्नल, मैं यहाँ पर इंटेंसिटी की बात नहीं करूंगा। इनको हम और अलग से लेक्चर में, एक इंडिविजुअल लेक्चर में अच्छे से समझेंगे कि कैसे एनएमआर सिग्नल जो हो जाता है स्प्लिट हो जाता है, किसी की इंटेंसिटी हाई होती है, किसी की इंटेंसिटी कम होती है। आज हम सिर्फ क्या सीखेंगे, हमको एनएमआर सिग्नल कितने मिलेंगे ये कैसे पता चलता है। क्लियर है? ठीक है, तो आज मैं आपको जनरली नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कोई एक हाइड्रोकार्बन है या फिर उसका हाइड्रोकार्बन का कोई डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उसमें आपके प्रोटॉन्स जो है, जरूरी नहीं है कि सभी प्रोटॉन्स आपके क्या हो, एक टाइप के हो। तो हमको पता चल लगाना है कि कौन सा प्रोटॉन किससे जुड़ा है, या कौन कौन सा प्रोटॉन का जो है सेम टाइप के हैं, कौन से प्रोटॉन जो है एक से दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो होता है आपका एनएमआर सिग्नल से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि एनएमआर में जो डिफरेंट टाइप के आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट सिग्नल देते हैं, और एक टाइप के जो प्रोटॉन होते हैं जिनका नेचर एक ही समान होता है वो एक सिग्नल देते हैं। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें अगर मेरे को सिर्फ एक एनएमआर सिग्नल मिलता है तो मैं क्या बोलूंगा कि जितने भी आपके यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं उनका नेचर जो है समान है। लेकिन अगर मेरे को 2, 3, 4 ऐसे सिग्नल मिल गए, इसका सीधा मतलब क्या होता है कि इसमें सेम टाइप के जो आपके प्रोटॉन नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपके क्या है प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, अगर मैं बात करूं इसका तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि एनएमआर जो है आपको डिफरेंट काइंड के आपके प्रोटॉन्स हैं उनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन में आपका दो टाइप का कंडीशन हो सकता है। एक क्या होगा, आपका केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो, लीजिए केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और एक क्या हो सकता है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्लियर है भाई? अब एक्चुअली क्या है, ये जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर में सिर्फ एक सिग्नल देते हैं। क्या देंगे? 1 NMR सिग्नल, ये लीजिए। लेकिन जो नॉन इक्विवेलेंट आपके जो प्रोटॉन होते हैं, सभी डिफरेंट टाइप के जो आपके प्रोटॉन होंगे, अपना खुद का एक अलग एनएमआर सिग्नल देंगे। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंट डिफरेंट एनएमआर सिग्नल्स मिलेंगे। क्लियर है भाई? अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं कि ये एक्चुअली होता क्या है, ये क्यों होता है कि अलग अलग प्रोटॉन ही तो हैं, अलग अलग सिग्नल्स क्यों आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब सेम टाइप के नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। तो होता क्या है, ये प्रोटॉन जो होते हैं आपके, ये मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, इनका एक न्यूक्लियर स्पिन होता है हाफ, आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, और यही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आते हैं तो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये जो स्प्लिटेड जो आपके जीमांस लेवल है, इनके सेम एनर्जी, जो डेली का गैप होता है, सेम एनर्जी या फ्रिक्वेंसी का कोई रेडिएशन अगर आता है इनके पास तो वो उनके साथ कपल कर जाते हैं और ट्रांजिट रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये रेजोनेंस के कारण आपको एनएमआर का सिग्नल मिलता है। क्लियर है? लेकिन ये जो आपके प्रोटॉन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन है। अब डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं इसलिए कोई जो है
दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको कोई अलग टाइप का क्या करता है, महसूस करता है, कोई दूसरा अलग एनवायरनमेंट महसूस करता है। मतलब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है सभी समान नहीं मिलते सबको। जैसे कि अगर मैं बात कर दूं तो ये मैं बोलूंगा कि एच इफेक्टिव जो है वो होता है आपका एच नॉट इंटू वन माइनस सिग्मा। और ये सिग्मा क्या है, तो ये सिग्मा है आपका शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट कि कोई प्रोटॉन जो होते हैं अपने आप को शील्ड कर लेते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो शील्ड करने के कारण जितना जो है दूसरे प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करते हैं उतना दूसरा नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो अलग अलग टाइप के जो आपके एनवायरमेंट के प्रोटॉन होते हैं वो अलग अलग टाइप के आपका जो है एच इफेक्टिव महसूस करते हैं, उसके कारण ये जो है अलग अलग एनएमआर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और सेम टाइप के प्रोटॉन होंगे तो एच इफेक्टिव सबके लिए सेम होगा, फिर वो जो सब सेम इफेक्ट एच इफेक्टिव वाले हैं वो एक ही सिग्नल दे देते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यहां पर एच इफेक्टिव जो कोई प्रोटॉन फील कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हुआ है, और ये जो है आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई किए हो उसका वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आपके जो प्रोटॉन हैं उनको मैं केमिकली इक्विवेलेंट बोलूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तो यहां पर एक टर्म आता है एनान्सियोटॉपिक प्रोटॉन, और यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पर एक टर्म आता है डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन। अब ये कौन होते हैं? तो बोला जाता है कि एनान्सियोटॉपिक प्रोटॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, और डाइस्टेरियोटॉपिक जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। अब ये क्या हो गया भाई, ये क्या नया फंडा आ गया? तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे से इन चीजों को पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये इनका कहना ये है कि एनान्सियोटॉपिक प्रोटॉन मतलब किसी प्रोटॉन को मैं दूसरे हेटरो एटम से या किसी अलग एटम से, प्रोटॉन को छोड़कर किसी अलग एटम से क्या कर देता हूं, मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो वो जो होता है एनान्सियोमेरिक सेंटर की तरह बिहेव करना चालू कर देता है, मतलब एनान्सियोमर आपका क्रिएट हो जाता है। क्लियर है भाई? यहां पर बात करो, देखो डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन, तो डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोटॉन जिसको हम रिप्लेस कर दें तो वो जो मॉलिक्यूल है वो डाइस्टेरियोमर बन जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन जो होते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट है तो डिफरेंट सिग्नल देंगे। ये क्या कॉल क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल्स। और इनके ऊपर जब मैं इक्विवेलेंट बोल रहा हूं तो ये क्या देंगे, वन एनएमआर सिग्नल देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं कि मैं एक्चुअली बोल क्या रहा था। ये कार्बन है आपका, ये ए है और ये बी है, और यहां से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अभी ये काइरल सेंटर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो काइरल सेंटर नहीं है। देखो दो तो हाइड्रोजन सेम सेम जो है आपके जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनको मैं क्या बोलूंगा, एनान्सियोट्रॉपिक प्रोटॉन। और क्यों बोलूंगा, क्योंकि इनमें से किसी को भी मैं जैसे कि एक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो बताओ भैया ये अगर एक्स हो गया तो अब बताओ ये कार्बन जो है चारों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ गए कि नहीं। मतलब एक को रिप्लेस करने पर वो क्या हो गया, एनान्सियोमर बन गया, ये देख लो काइरल सेंटर बन गया। तो यहां पर चाहे मैं इस प्रोटॉन को चेंज करूं या इस प्रोटॉन को चेंज करूं, दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये एनान्सियोमर बना रहे हैं, दैट मींस एक स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन मेरे क्या होंगे, ये दोनों प्रोटॉन क्या होंगे, तो इन दोनों प्रोटॉन को बोलते हैं एनान्सियोटॉपिक प्रोटॉन।
और एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन मतलब दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितना देंगे सिग्नल, तो ये 1 NMR सिग्नल देंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये लीजिए, यहाँ OH लगा देते हैं, यहाँ CH3 लगा देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, चलो आपको समझाने के लिए, ताकि आपके कठिन से कठिन समझ लो, ले लीजिए। अब बताओ यहाँ पर ये कार्बन जो है OH, CH3 और H, तीन डिफरेंट डिफरेंट, और ये चौथा, चारों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट किससे जुड़े हुए हैं, ग्रुप से, तो ये तो कायरल सेंटर है भाई, कायरल सेंटर है, लेकिन इसके पास में जो कार्बन है उससे दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे के डाइस्टीरियोटॉपिक हैं। और वो डाइस्टीरियोटॉपिक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं, देखिए ध्यान देना भाई, हाइड्रोजन और ये एक्स, एक को रिप्लेस कर दिया, तो और एक को रिप्लेस कर दिया तो यहां पर ये भी क्या हो गया मेरा, क्या हो गया भाई, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन गया। मतलब पहले से एक कायरल सेंटर प्रेजेंट था, दूसरा कायरल सेंटर आपका क्या हो गया, आ गया। तो यहां पर ये जो आपके हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक को भी आप रिप्लेस करोगे तो वहां पर ये क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर बन गए। तो इन प्रोटॉन को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों प्रोटॉन मेरे क्या हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक। और ये डाइस्टीरियोटॉपिक जो है क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल देंगे, मतलब यहां पर दोनों मिलकर के एक सिग्नल नहीं देंगे, ये दोनों मिलकर के 2 NMR सिग्नल देंगे। अरे ठीक है भाई, यहीं पर आप एग्जाम में गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इन्हीं चीजों को समझ नहीं पाते। यहां पर CH2 लिखा रहता है, उनको लगता है ये दोनों एक सिग्नल, ये दूसरा तीसरा चौथा, 4 NMR सिग्नल, और हो गया काम उनका, ठीक है। उम्मीद करके आते हैं 4 नंबर का, और एक बोनस दे के आते हैं बेचारे वापस जब रिजल्ट आता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक आप ये चीजों को समझ गए कि कैसे हम NMR सिग्नल को फाइंड आउट करते हैं। NMR सिग्नल कुछ नहीं है, डिफरेंट टाइप के आपके जो प्रोटॉन होते हैं सैंपल में उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, क्लियर है। और कैसे प्रोवाइड कराता है मैं आपको बता दिया, अब हमको देखना है कि कैसे हम NMR सिग्नल को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन चीजों को प्रॉपर आप नोट्स बना के चल सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए ये है आपका जो NMR है, नंबर ऑफ NMR, इसके लिए आपको मैं बता देता हूं क्या करना है आपको, चेक C2 सिग्मा इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट। आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, आपको पता होगा सिमेट्री ऑपरेशन, C2 रोटेशन ऑफ एक्सिस, और सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री I। तो ये सब आपको चेक करना है, तो ये सब किस लिए चेक करना है, तो ये चेक करना है हमको टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्या करना है आपको, C2 सिग्मा या इन्वर्जन चेक करना है। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी के रेस्पेक्ट में C2 लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो जिनके रेस्पेक्ट में C2 अप्लाई हो रहा है वो दोनों प्रोटॉन जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे, क्लियर है। अगर किसी के रेस्पेक्ट में आपका इन्वर्जन लग रहा है तो वो जो होंगे आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे, प्लेन लग रहा है तो वो भी आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे। मैं आपको एग्जांपल से इन चीजों को समझाऊंगा, आपको क्या पता रहना चाहिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, C2 सिग्मा या इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन को आपको चेक करना है किसी मॉलिक्यूल में, क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, सबसे पहले हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं CH4। अब CH4 की अगर मैं बात करूं तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका पॉइंट ग्रुप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल दैट मीन्स ये हो गया आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपका वेज वाला,
हाइड्रोजन और ये आपका डैश वाला हाइड्रोजन, यही तो है क्या आपका CH4। एक को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उसका ज्योमेट्री आपका दिखा करके, ठीक है, इसका शेप क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पर आपको पता होगा टेट्राहेड्रल में तो C2 ऑपरेशन होते हैं। यहां से ये लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी हम चलते हैं, बाकी सब में नहीं जाऊंगा मैं, ग्रुप थ्योरी के टाइम पढ़ेंगे अच्छे से। ये आपका क्या है टेट्राहेड्रल, ये दोनों प्लेन में, ये आप अगर उधर से देख रहे होंगे तो अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये टुवर्ड्स द व्यूअर, तो यहां से C2 लग रहा है कि नहीं, तो यहां से C2 लग रहा है, तो देखिए ध्यान देना भाई, यहां से C2 लग रहा है तो ऐसे घुमा दूंगा, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं मतलब दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं मतलब दोनों सेम है, तो यहां से C2 लग रहा है वो बता रहा है कि आमने सामने वाले लोग क्या है सेम है। लेकिन भैया यहां से भी तो C2 लगता है, अरे क्लियर है, तो यहां से C2 लगता है तो ये इन दोनों को सेम कर दिया, तो अभी इसके साथ ये दोनों सेम थे, अब यहां से C2 इन दोनों को बता रहा है, क्लियर है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ध्यान दीजिए यहां भी C2 है, तो ये C2 क्या बता रहा है आपको कि ये दोनों जो है सेम है, और यहां भी तो C2 है, क्लियर है, तो वो कौन बताएगा ये दोनों सेम है, क्लियर है भाई। अल्टीमेटली ये चारों हाइड्रोजन क्या हैं, सेम हैं, और ये कितना सिग्नल देंगे 1 NMR सिग्नल देंगे, क्लियर है, क्लियर है भाई। इसके बाद चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, और वो क्या है, तो एक्चुअली सॉरी, वो है आपका CH3। ये कितने NMR सिग्नल देंगे, तो देखिए यहां पर ये और ये दोनों ही क्या हैं, सेम टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, तो दोनों मिलकर के 1 सिग्नल देंगे, क्लियर है, ठीक है, ये तो आपको इजी है, इजी एग्जांपल है, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए CH3 CH2 CH3, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कितने सिग्नल देंगे, तो ध्यान दीजिए यहां से प्लेन लगा सकता हूं क्या, ये देखो CH3 और CH3, एक गोला मान लो इसको, ये लो CH3, ये आपका A, ये आपका A, दोनों CH3 जो हैं सेम टाइप के एनवायरमेंट में हैं, तो क्या बोलूंगा मैं, दोनों सेम टाइप के प्रोटॉन हैं, लेकिन ये जो है डिफरेंट टाइप का प्रोटॉन है, किनसे, इनसे, तो ये जो दोनों हैं ये आपका एक सिग्नल देंगे, तो ये 3 और 3 6 मिलकर के एक सिग्नल, और ये 2 मिलकर के एक सिग्नल, टोटल कितने NMR सिग्नल, 2 NMR सिग्नल, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने NMR सिग्नल, ये A और A दोनों सेम है, प्लेन लगता है इनके बीच, बिल्कुल है, तो यहां पर 1 NMR सिग्नल। लेकिन अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CHCl कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, तो भैया यहां पर आपको क्या पता, क्या लगेगा कि ये A है, एक टाइप के दिख रहे हैं, और ये दूसरा B, दो टाइप के ही तो प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन जो हैं आपके सेम टाइप के, A और ये B, और आप क्या करेंगे, यहां से सर 2 NMR सिग्नल मिलेगा, लेकिन क्या ये सही है, तो एक बार चेक कर लो, ये लो C डबल बॉन्ड C, ये आपका H, दूसरा H, इधर H है और इधर क्लोरीन है, क्या ये दोनों जो आपके प्रोटॉन हैं सेम हैं, क्या इनमें प्लेन लग रहा है, क्लियर है। तो देखिए अगर मैं इथिन लिखता हूं, ये लीजिए, यहां मैं इसके लिए 1 NMR सिग्नल बोला हूं, तो क्यों बोला हूं, क्योंकि यहां से प्लेन लग रहा है, वो क्या बता रहा है, ये दोनों सेम है, और एक प्लेन
तो यहां से भी लग रहा है, ये लीजिए। और ये प्लेन क्या बता रहा है कि ये दोनों सेम है, तो अल्टीमेटली चारों के चारों सेम है, इसलिए ये 1 NMR सिग्नल। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, ये वाला प्लेन है क्या? तो आप बोलेंगे कहां का प्लेन सर, ये हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन तो दिख रहा है लेकिन इस हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन, ये वाला प्लेन खत्म, ये वाला प्लेन है क्या? तो ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जब दोनों ही प्लेन नहीं है तो क्या ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे आपके? डिफरेंट। मतलब ये अपना एक सिग्नल देगा, ये अपना एक सिग्नल देगा और ये अपना एक सिग्नल देगा, ए बी सी तीन टाइप के सिग्नल आपको मिलेंगे। मतलब ये 2 NMR सिग्नल को आपको काटना है, और ये कितने NMR सिग्नल देंगे? तो ये देंगे आपको 3 NMR सिग्नल। क्लियर है? अरे क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं आपका एक और एग्जांपल, CH3CH double bond CHCl, तो ये कितना आपको सिग्नल देगा भाई? तो ध्यान दीजिए, आपको क्या लगेगा, ये एक सिग्नल सर, ये दूसरा सिग्नल सर, और ये तीसरा सिग्नल सर। तो क्या आप सही हैं? बिल्कुल आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ये आपका सी डबल बॉन्ड सी, इधर एक एच और ये सी एल, यहां आपका एक एच होगा और एक तरफ सी एच थ्री। अब बताओ यहां प्लेन है क्या? नहीं है सर, प्लेन तो नहीं है। यहां प्लेन है क्या? तो यहां भी प्लेन नहीं है। तो कहने का मतलब इसका एक अलग सिग्नल, इसका एक अलग सिग्नल और इसका एक अलग सिग्नल, मतलब आप जो लिखे थे तीन सिग्नल वो इसके लिए भी सही हैं। कितने सिग्नल आएंगे? 3 NMR सिग्नल आपको मिलेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है। चलिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, ध्यान देना। इसमें मैं चेंज कर रहा हूं CH3CH CH2, ये लीजिए। अब इसके लिए क्या किस्सा है? तो ये आपका कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। इससे पहले मैं आपको यही समझाता हूं, इसका एक सिग्नल समझेंगे आप, इसका दूसरा सिग्नल और इसका तीसरा सिग्नल। और आपको लगेगा क्या कि सर ये तो तीन सिग्नल देगा, लेकिन ऐसा होगा क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आप जो तीन सिग्नल बता रहे हो वो सही है कि नहीं इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका H, ये आपका ये वाला हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। अब बताओ क्या यहां से प्लेन लग रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं लग रहा है सर। क्या यहां से प्लेन लग रहा है? तो आप बोलेंगे यहां भी प्लेन नहीं है सर। तो बताओ ये दोनों हाइड्रोजन सेम हुए क्या? यहां पर आप दोनों को क्या बोल दिए? सेम, सी एक सिग्नल। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप अगर बनाते हैं तो ये दोनों ही हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये अपना एक सिग्नल देगा, ये दूसरा अपना सिग्नल देगा, ये तीसरा और ये डी चौथा। तो कहने का मतलब कितना NMR सिग्नल? तो यहां से आपको मिलेंगे 4 NMR सिग्नल। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा माइंड को अलर्ट रखना है और आपको थोड़ा सा इन चीजों को प्रॉपर वे में चेक कर लेना है कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गलती होने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है भाई? तो ये हो गए आपके कुछ सिंपल से मॉलिक्यूल। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको समझ आती है। अब पढ़ लो, C2 चेक करना है, सिग्मा चेक करना है, इन्वर्जन कहां चेक करना है, कैसे चेक करना है। क्लियर है? तो इन चीजों को समझो, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों हो, कोई भी एक अगर हुआ तो वहां उसके लिए वो इक्विवेलेंट हो जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में आप उन C2 को, सिग्मा को और आई को देख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल की ओर ले चलता हूं, ठीक है भाई? ये एक स्कोरिंग पोर्शन होता है, यहां से आपको हर बार क्वेश्चन आता है और ये कोई हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छे से समझते हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को,
अच्छे से क्लियर करते हैं तो आप आसानी से यहां से इसको कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूं मैं, बेंजीन। बेंजीन के बाद मैं बात करूंगा टॉल्यूइन, क्लियर है। अब टॉल्यूइन की बात करेंगे अपन नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे उसके बाद अपन NO3, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है भाई। आप देखिए, अच्छा NO3 लिख रहा हूं, NO2 क्या लिख रहा हूं, NO2, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नाइट्रो में, यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में आर्थोमेटा पैरा में CH3 को लगा करके देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, क्या सभी हाइड्रोजन जो हैं सेम है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहां है, तो यही तो है हाइड्रोजन, ये सब प्रोटॉन है। अब बताओ भाई क्या पॉइंट ग्रुप होता है इसका, D6H, D6H मतलब यहां पर डी पॉइंट ग्रुप मतलब C2 तो होंगे, कहां है, यहां C2 है, यहां C2, यहां C2, कई C2 है। सभी प्रोटॉन आपके क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, और कितना NMR देते हैं, 1 NMR, क्लियर है, अरे क्लियर है, ठीक है। इसकी बात करते हैं टॉल्यूइन की, तो टॉल्यूइन का अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली में यहां पर थोड़ा सा चेंजेस होता है, कैसे, आप कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, दैट मीन्स थियोरेटिकली अगर बात करेंगे, थियोरेटिकली और एक बार बात करेंगे अपन प्रैक्टिकली, ठीक है। थियोरेटिकली में क्या होगा, ये लीजिए CH3, क्या लगेगा आपको कि सर यहां से तो प्लेन दिख रहा है, CH3 अपने आप आधा आधा कट जाएगा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये सेम, एक सिग्नल इन दोनों का, दूसरा और तीसरा और एक इनका, तो ये यहां से क्या लग रहा है आपको कि ये है 4 NMR सिग्नल देंगे, अरे देंगे, लेकिन लेकिन इनमें जो होता है, जो CH3 का जो पोजीशन है नॉर्मल कंडीशन में, इतना फास्ट पोजीशन चेंज होता है, 1,2-methyl शिफ्ट जिसको बोलते हैं, CH3 यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, आपको पता ही नहीं चल, आपको जो इंस्ट्रूमेंट है डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि वो जो CH3 है एक्चुअली किस कार्बन से जुड़ा है। तो अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो ये सभी में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब सभी में अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पर सभी के सभी जो आपके क्या होते हैं, ये वाले जो आपके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं भैया, एक सिग्नल देते हैं, ये और ये और ये और ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और ये वाला जो आपका CH3 है उसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो आपके CH3 है, ये लीजिए, ये CH3 का जो है प्रोटॉन है वो अपना एक सिग्नल देता है, और ये सभी मिलकर के जितने भी प्रोटॉन यहां पर रिंग में हैं सभी मिलकर के एक सिग्नल देते हैं, दैट मींस कितने सिग्नल, 2 NMR सिग्नल मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है, ध्यान रखना है आपको, किसको, टॉल्यूइन को। नाइट्रोबेंजीन की अगर बात करें तो सर यहां पर नाइट्रोबेंजीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बोलेंगे आप, ठीक है, ये लीजिए नाइट्रोबेंजीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बोलेंगे, कैसे, यहां से आपका प्लेन लगेगा, ठीक है, नाइट्रो को आधा काट देगा, ये एक सिग्नल दोनों मिलकर के, दोनों दूसरा सिग्नल और ये सी तीसरा सिग्नल, कितना सिग्नल भैया, 3 NMR सिग्नल। अब बात करते हैं यहां पर कि अलग अलग पोजीशन में अगर हम इन चीजों को रखते हैं तो कैसे सिग्नल आता है, कहने का मतलब क्या है, आर्थो डेरिवेटिव मेटा और पैरा,
मतलब एक बार अपन दोनों सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप हैं, नाइट्रो ग्रुप और CH3 ग्रुप, उनको ऑर्थो पोजीशंस पे लगाते हैं, एक बार अपन इनको मेटा पोजीशन पर लगाते हैं और एक बार पैरा पोजीशन पर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपके कितने टाइप के आपका प्रोटॉन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट वाले, तो यहां पर तो कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है, ना सिग्मा है, ना इन्वर्जन है, ना कोई C2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, चौथा और ये पांचवा, कितने सिग्नल मिलेंगे भाई आपको, तो आपको मिलेंगे ABCDE 5 NMR सिग्नल। क्लियर है, अगर इसकी बात करें तो यहां भी तो कोई प्लेन ना, यहां से C2 लग रहा है, ना प्लेन लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, ना इन्वर्जन है, तो यहां पर ये एक सिग्नल अपना देगा, ये दूसरा BCD और ये ई, ये लीजिए ABCDE, तो पांच सिग्नल मिलेंगे क्या, तो यहां भी आपका कितने सिग्नल मिलेंगे, 5 NMR सिग्नल। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसकी पैरा सब पैरा जो फॉर्म है इसका, पैरा नाइट्रोटोलिन का, इसको अगर हम देखते हैं तो यहां से आपका एक प्लेन लग रहा है सिग्मा। अब जब प्लेन लग रहा है सिग्मा, तो ये प्लेन जो है इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया, और यहां पर आपके इनको इक्विवेलेंट कर दिया, ये लीजिए, और ये जो CH3 का प्रोटॉन है, ये थर्ड टाइप का आपका प्रोटॉन हो गया, तो यहां पर कितने सिग्नल मिलेंगे आपको, तो यहां मिलेंगे आपको 3 NMR सिग्नल। अरे क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़े, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा अगर मैं आगे स्टेप चलूं तो हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। कैसे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, ये लीजिए, अच्छा मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझा सकूं, या अभी देखते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये लो, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा भैया, या इसका कितने NMR सिग्नल होंगे, तो आप देखेंगे कहां से प्लेन लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होता कैसे है, तो ये क्या इसी का दूसरा फॉर्म है क्या, क्या ये ब्रिजिंग मॉलिक्यूल है, अरे देख लीजिए, क्या ये यही है, बिल्कुल है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि कितने सिग्नल्स मिलेंगे मेरे को NMR के, प्रोटॉन NMR के, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे C2 लगेगा, और कैसे यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, दैट मीन कौन कौन से प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे और कौन से प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्लियर है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका जो बुक स्टाइल है, यहाँ से आपका ऐसे बुक खुला हुआ है, ठीक है, और ये जो बुक का जो ऊपर ऐसे कॉर्नर है, वहां से एक ऐसे आपका बॉन्ड आया है, और दूसरा इधर से जो आपका ये बीच वाला जो आपका चेन है, वहां पर ब्रिज वाला ये कार्बन जो है सेंटर में प्रेजेंट है, और दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहां से कुछ नहीं है। इसका अगर मैं बात करूं कि कहां से प्लेन लगाऊंगा, तो यहीं से प्लेन लग जाएगा, इनको बीचे बीचे से काटते हुए दोनों ये बुक का जो पेज है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये लीजिए, ये ऐसे ही तो है, और यहां पर यहां से एक और बॉन्ड निकला है, यहां से बॉन्ड दूसरे यहां पर अटैच है, ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका अरेंजमेंट रख रहा है। C2 की अगर बात करूं तो यहीं से तो C2 है, अब घुमा दो, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। अभी देखिए, यहां से अगर मैं इन दोनों को ऐसे प्लेन लगाऊं, तो इन दोनों के बीच से काटते हुए तो भी तो एक प्लेन है। तो अल्टीमेटली ध्यान देना मैं किनको किनको सेम बोल रहा हूं। अभी मैं ये जो आपका जो मैं ब्रिज लगाया था ऊपर में, उसको अगर ऐसे काटता हूं तो कौन कौन से बराबर मेरा सेम होंगे, क्या ये वाला एक्सो और इसका एक्सो सेम होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है भाई, अरे कोई दिक्कत, इसका इंडो ले लीजिए और इसका इंडो,
सेम होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। अब देखिए, अभी यहां पर भी तो इसका एक इंडो होगा, बिल्कुल, तो इसका इंडो और ये इसका इंडो, तो इसका जो एक्सो है वो कैसे होगा? ये भी तो सेम होंगे भैया, ले लीजिए। अरे क्लियर है, ठीक है। ये कौन बता रहा है? ये आपका ये बीच वाला प्लेन, क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है। अब देखिए, यही वाला प्लेन है, यहां पर के भी हाइड्रोजन को तो सेम बोल रहा है, यहां भी तो देखो CH4 तो होता है, तो दो या जो है बॉन्ड जो है कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड है, तो दो प्रोटॉन तो हैं, तो इसी टाइप से तो होते हैं अरेंजमेंट, तो यही वाला प्लेन लगा रहा हूं, तो ये दोनों तो सेम होंगे क्या? बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन 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 ये हुई बात ये वाली प्लेन की, लेकिन अगर मैं ये वाला प्लेन लगाता हूं तो इन सबको तो क्या कर देगा? ये बराबर कर देगा। अरे कोई दिक्कत? तो इन सबको अगर ये बराबर करता है तो अब देखना, ये जितने टाइप के आपके एक्सो वाले होंगे ये आपको बराबर दिखेंगे, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये जितने भी एक्सो वाले हैं ये आपको इक्विवेलेंट होंगे। ये वाला प्लेन आमने सामने को बराबर कर दिया, और ये वाला प्लेन जो है इनको इनको बराबर कर दिया, क्लियर है। और जितने भी इंडो वाले आपके हैं ये सब क्या होंगे? खुद सब इक्विवेलेंट होंगे। तो इन सभी का ये HA, HA, HA और HA एक टाइप के हो गए, एक सिग्नल। ये जो ग्रीन वाले जो एक्सो वाले हैं ये भी तो सब सेम है, तो ये HB, HB और ये HB और ये HB, क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखिए, यहां पर भी तो आपके दो हाइड्रोजन होंगे, एक यहां और एक यहां, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 बॉन्ड है, कार्बन है, एक उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोटॉन जुड़ा है। ये लीजिए, तो इसको मैं कैसे दिखा देता हूं, ये हो गया मेरा प्रोटॉन और ये हो गया मेरा प्रोटॉन, लीजिए, क्लियर है। तो ये जो दोनों प्रोटॉन है ये सेम होगा, क्यों? क्योंकि यहां से ऐसे वाला जो प्लेन लगाया हूं मैं वो इसको इक्विवेलेंट करेगा, तो ये होगा HC। और जो ऊपर के हैं जो ब्रिजिंग कार्बन वाले जो हाइड्रोजन हैं वो HD और HD। तो कितने सिग्नल? एक एक्सो वाले, दूसरा इंडो वाला, तीसरा ये ऊपर ब्रिजिंग वाला, और चौथा ये जो है आपका ये प्रोटॉन। तो कितने सिग्नल भाई? तो ये देंगे आपको 4 NMR सिग्नल, क्लियर है? क्या देंगे? 4 NMR सिग्नल। अब देखिए, इन्हीं सब में मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, आपका सेम मैं आपका मॉलिक्यूल लेता हूं, ये लीजिए, ये मेरा ब्रिजिंग, यहां लगा देता हूं मैं CO ग्रुप। अब बात करते हैं कि कितने सिग्नल। तो बताओ भाई, मैं इनको अच्छे से पढ़ के गया हूं तो इसको कैसे अप्रोच करूंगा? तो कुछ नहीं, जब सब चीज अच्छा था तो कौन कौन बराबर थे? सभी एक्सो वाले और सभी इंडो वाले अपने अपने में बराबर थे। तो अब मेरा यही तो चेक करना है कि CO लगने से क्या अभी भी वो जो सभी एक्सो वाले हैं बराबर हैं, या सभी जो इंडो वाले हैं वो सभी बराबर हैं क्या, वही सब तो चेक करना है। तो देखिए, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपका, ये लीजिए, ऐसे ही तो है। अब ये जो आपका CO लगने के कारण ना तो ये वाला प्लेन लग रहा है, क्यों? क्योंकि इधर तो CO है, इधर तो CO नहीं है, तो ये वाला प्लेन खत्म। अब अगर मैं ये वाला प्लेन लगाता हूं तो यहां CO नहीं है, यहां CO है, तो ये वाला प्लेन भी खत्म, तो दोनों प्लेन खत्म। तो कहने का मतलब सभी आपके जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, और जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन हो गए तो वो कैसे सिग्नल देंगे? तो ध्यान के बात करते हैं भैया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये 9 और ये 10, 10 टाइप के आपके क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए। तो कितने टाइप के प्रोटॉन हुए? 10, तो कितने सिग्नल? तो ये हो गए आपके 10 NMR सिग्नल, क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ूं, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तो
तो इन सभी चीजों में मैं सिमेट्री एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि कहां से कौन सा सिमेट्री लग रहा है। अभी हम उतना लेंथी इन चीजों में नहीं जाएंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखिए कुछ अच्छे वाले एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिसमें अपन कवर करते हैं फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये लीजिए, ये एक मॉलिक्यूल है फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसमें जो है अगर मैं इसका प्रोटॉन एनएमआर अगर आइडेंटिफाई करता हूं तो देखिए इसमें यहां पर कुछ सी एच लिंकेज है और कहीं पर सी एच टू लिंकेज है। यहां पर देखो ये दो हाइड्रोजन होंगे तो ये जो है आपका सी एच टू लिंकेज है और ऐसे ही सी एच टू लिंकेज कितने हैं, या ये भी है, ये है, ये है आपका और ये है, ये सभी कितने हैं, सी एच लिंकेज, सी एच टू लिंकेज है। वैसे ही अगर मैं यहां पर देखूं तो ये तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला कार्बन सी एच लिंकेज है, मतलब आपके इसमें एक सी एच लिंकेज होगा, सी एच लिंकेज। ठीक है, वैसे ही एक आपका क्या है, सी एच टू लिंकेज। तो इस मॉलिक्यूल में इसका पॉइंट ग्रुप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और ये जितने भी सी एच लिंकेज हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं और वैसे ही जितने भी सी एच टू लिंकेज हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके इक्विवेलेंट होते हैं। ये लीजिए, ये सब क्या है, सी एच लिंकेज है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे तो सी एच लिंकेज का अपना सभी सी एच लिंकेज का एक एनएमआर और सी एच टू लिंकेज का दूसरा एनएमआर, तो टोटल कितने एनएमआर सिग्नल हो गए। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में मेरे को दो प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, वैसे ही बात करते हैं चलिए साइक्लोहेक्सेन। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, अगर आपको इस फॉर्म में दिया रहे तो अगर इसी फॉर्म में पूछता है तो भैया ध्यान देना, आप बोलेंगे सर इसमें सभी प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट है, वन एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे कि इसमें जो है ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मोस्टली। इसमें आपके क्या होते हैं, कुछ एक्सियल बॉन्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। ये लीजिए, क्लियर है भाई? तो ये जो आपके साइक्लोहेक्सेन है ये डायनेमिक एनएमआर शो करते हैं और डायनेमिक एनएमआर का मतलब ये अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग एनएमआर शो करते हैं। जैसे एक आपको बोला जाता है हाई टेम्परेचर लिमिट और एक बोला जाता है आपका लो टेम्परेचर लिमिट। यहां पर लो टेम्परेचर का मतलब होता है -89 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है, आपको पता होगा कि साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग पाई जाती है, तो ये जो आपका फ्लिपिंग है, ठीक है भाई, ये लीजिए, हाई टेम्परेचर पर फ्लिपिंग प्रेजेंट होता है लेकिन लो टेम्परेचर पर अगर बात करें तो ये आपका जो फ्लिपिंग है, ये जो आपका फ्लिपिंग है वो फ्लिपिंग जो है अब्सेंट हो जाता है, फ्लिपिंग अब्सेंट। यहां पर क्या पाया जा रहा है, फ्लिपिंग पाया जा रहा है। तो फ्लिपिंग पाए जाने के कारण जो ये एक्सो और एक्सियल और जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और इक्विवेलेंट हो जाते हैं, मतलब सभी मिलकर के क्या, मतलब इसमें क्या होता है, वन एनएमआर सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपके दोनों जो है सेम नहीं होते। ऑल इक्विटोरियल बॉन्ड
या जो ऑल इक्वेटोरियल प्रोटॉन है वो कितने सिग्नल, 1 NMR सिग्नल, ऑल एक्सियल प्रोटॉन 1 NMR सिग्नल। तो इस कंडीशन में टोटल 2 NMR सिग्नल मिलते हैं, कितने मिलते हैं, टोटल 2 NMR सिग्नल आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन कवर कर लेते हैं सीओटी को। सीओटी क्या होता है तो ध्यान देना, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन के लिए यही है। तो आप बोलेंगे इस कंडीशन में अगर बात करें तो यहां भी सब जो है आपके प्रोटॉन इस कंडीशन में इसका D6H है। ठीक है भाई, पॉइंट टू, सभी प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, कितने NMR, 1 NMR, लेकिन ये भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री फॉर्म में। अगर ये फ्री फॉर्म में रह इस फॉर्म में नहीं रहता तो कैसे रहता है, तो ये भी थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, जो क्या होता है कुछ इस टाइप से रहता है। ये लीजिए, लीजिए, ये कुछ इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहां पर अल्टरनेट फॉर्म में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका भी आपका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है इस रूप में, डी टू डी, और डी टू डी मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस सी टू होगा और आपका दो परपेंडिकुलर सी टू होगा। और क्या बोलते हैं, अगर सी टू किसी के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है तो वो जो है क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं प्रोटॉन। यही तो हम जो है ट्रिक देखे थे शुरू में, अपने क्या चेक करना है, सिग्मा चेक करना है, सी टू चेक करना है और इन्वर्जन चेक करना है। तो यहां इस कंडीशन में आपके सभी प्रोटॉन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में होते हैं, और कितना NMR सिग्नल देते हैं, 1 NMR सिग्नल देते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो है कॉम्प्लेक्सेशन भी करते हैं मेटल कार्बोनिल के साथ, मेटल कार्बोनिल के साथ ये जो है कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, और जब कॉम्प्लेक्सेशन कर लेते हैं तब इनमें जो है डायनेमिक NMR शो करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर वाले रेंज में अलग अलग क्या देते हैं, ये NMR सिग्नल देते हैं। देखिए कैसे, पहले यहां पर हम लो टेम्परेचर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जब लो टेम्परेचर लिमिट रहता है तो यहां से ऐसा प्लेन लगता है, तो देखना भैया ये वाला आपका प्रोटॉन एच ए और ये वाला प्रोटॉन एच ए एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ये वाला आपका एच बी और ये आपका एच बी दोनों सेम होते हैं, ये आपका एच सी। ठीक है भाई, अब देखिए ये किसके साथ रहता है इक्विवेलेंट, ये एच सी, ये लीजिए। ठीक है भाई, ये वाला जो है आपका ये एच डी यहां के साथ, एच डी के साथ क्या रहता है, ये इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो कितने टाइप के यहां प्रोटॉन हुए, एच ए, एच बी, एच सी और एच डी, चार टाइप के। तो लो टेम्परेचर लिमिट में कितने NMR सिग्नल देते हैं, तो ये मिलता है आपको 4 NMR। क्लियर है, अरे क्लियर है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर लिमिट आता है तो हाई टेम्परेचर लिमिट में ये जो मेटल जो इसके साथ कॉम्प्लिकेशन किया है वो इतने फास्ट अपना पोजीशन चेंज करता है डबल बॉन्ड में कि इंस्ट्रूमेंट जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन से डबल बॉन्ड के बीच इनके कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सभी डबल बॉन्ड जो है आपके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और सभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो रहे तो सभी प्रोटॉन उनसे जुड़े हुए इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको 1 NMR सिग्नल मिलता है। अरे क्लियर है, ठीक है, ये हुई बात सीओटी की। अब देखिए आपको करना है होमवर्क, कुछ एग्जांपल आप कर सकते हैं घर में, जैसे कि ये हो गया एमी एच, इसमें आपको नंबर आप प्रोटॉन एनिमार देख चेक करना है, ये लीजिए एमई एमई, इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन एनिमार चेक करना है। ठीक है भाई,
एमपीएच आपको नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल चेक करना है, एमपीएच एमपीएच इतने एग्जांपल्स में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल फाइंड आउट करना है, एनएमआर सिग्नल नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल। क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।